शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हामीम। ये किताब खुदाए गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल हुई है। हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों में है मबनी बर हिकमत और एक वक्त मुकर्रर तक के लिए पैदा किया है, और काफिरों को जिस चीज की नसीहत की जाती है उससे मुंह फेर लेते हैं। कहो कि भला तुमने उन चीजों को देखा है जिनको तुम खुदा के सिवा पुकारते हो, जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इससे पहले कि कोई किताब मेरे पास लाओ या इल्म अंबिया में से कुछ मनकूल चला आता हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर कौन गुमराह हो सकता है जो ऐसे को पुकारे जो कयामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने ही की खबर न हो। और जब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन होंगे और उनकी परस्तिश से इनकार करेंगे। और जब उनके सामने हमारी खुली आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर हक के बारे में जब उनके पास आ चुका कहते हैं कि ये तो सरीह जादू है। क्या ये कहते हैं कि उसने इसको अज खुद बना लिया है? कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया हो तो तुम खुदा के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो उस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम उसके बारे में करते हो, वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है, और वो बख्शने वाला मेहरबान है। कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो उसी की पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही आती है, और मेरा काम तो अलानिया हिदायत करना है। कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान खुदा की तरफ से हो और तुमने उससे इनकार किया, और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया, और तुमने सरकशी की, तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है? बेशक खुदा जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और काफिर मोमिनों से कहते हैं कि अगर ये दीन कुछ बेहतर होता तो ये लोग उसकी तरफ हमसे पहले न दौड़ पड़ते, और जब वो इससे हिदायत याब न हुए तो अब कहेंगे कि ये पुराना झूठ है। और इससे पहले मूसा की किताब थी लोगों के लिए रहनुमा और रहमत, और ये किताब अरबी जबान में है उसी की तस्दीक करने वाली, ताकि जालिमों को डराए और नेकुकारों को खुशखबरी सुनाए। जिन लोगों ने कहा कि हमारा परवरदिगार खुदा है फिर वो उस पर कायम रहे तो उनको ना कुछ खौफ होगा और ना वो गमनाक होंगे। यही अहले जन्नत हैं कि हमेशा उसमें रहेंगे। ये उसका बदला है जो वो किया करते थे। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ से पेट में रखा और तकलीफ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छोड़ना ढाई बरस में होता है, यहाँ तक कि जब खूब जवान होता और 40 बरस को पहुंच जाता है तो कहता है कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और ये कि नेक अमल करूँ जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद में इस्लाह और तक्वा दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूँ और मैं फरमाबरदारों में हूँ। यही लोग हैं जिनके आमाल नेक हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुजर फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता था। और जिस शख्स ने अपने माँ बाप से कहा कि उफ उफ, तुम मुझे ये बताते हो कि मैं जमीन से निकाला जाऊंगा हालांकि बहुत से लोग मुझसे पहले गुजर चुके हैं, और वो दोनों खुदा की जनाब में फरियाद करते हुए कहते थे कि कमबख्त ईमान ला, खुदा का वादा सच्चा है, तो कहने लगा ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में जिन्नों और इंसानों की दूसरी उम्मतों में से जो उनसे पहले गुजर चुकी अजाब का वादा तहकीक हो गया, बेशक वो नुकसान उठाने वाले थे। और लोगों ने जैसे काम किए होंगे उनके मुताबिक सबके दर्जे होंगे। गरज यह है कि उनको उनके आमाल का पूरा बदला दे और उनका नुकसान न किया जाए। और जिस दिन काफिर दोजख के सामने किए जाएंगे तो कहा जाएगा कि तुम अपनी दुनिया की जिंदगी में लज्जतें हासिल कर चुके और उनसे मुतमत्ते हो चुके, सो आज तुमको जिल्लत का अजाब है। ये उसकी सजा है कि तुम जमीन में नाहक गुरूर किया करते थे और उसकी के बद किरदारी करते थे। और कौम आद के भाई हूद को याद करो कि जब उन्होंने अपनी कौम को सरजमीन आहकाफ में हिदायत की, और उनसे पहले और पीछे भी हिदायत करने वाले गुजर चुके थे कि खुदा के सिवा किसी की इबादत न करो, मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का डर लगता है। कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हमको हमारे माबूदों से फेर दो? अगर सच्चे हो तो जिस चीज से हमें डराते हो उसे हम पर ले आओ। उन्होंने कहा कि इसका इल्म तो खुदा ही को है, और मैं तो जो आहकाम देकर भेजा गया हूँ वो तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम लोग नादानी में फंस रहे हो। फिर जब उन्होंने उस अजाब को देखा
کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے۔ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ گناہگار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جبکہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آگھیرا۔ اور تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو جن کو ان لوگوں نے تقرب خدا کے لیے خدا کے سوا معبود بنایا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی؟ بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے، اور یہ ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ افترا کیا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے جنوں میں سے کئی شخص تمہاری طرف متوجہ کیے کہ قرآن سنیں، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ جب پڑھنا تمام ہوا تو اپنی برادری کے لوگوں میں واپس گئے کہ ان کو نصیحت کریں۔ کہنے لگے کہ اے قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے، اور سچا دین اور سیدھا رستہ بتاتی ہے۔ اے قوم، خدا کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے پناہ میں رکھے گا۔ اور جو شخص خدا کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکے گا، اور نہ اس کے سوا اس کے حمایتی ہوں گے۔ یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں، کیا انہوں نے نہیں سمجھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ ہاں ہاں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے۔ حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے، اب عذاب کے مزے چکھو۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں، اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو۔ جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن۔ یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے۔